नमो भगवती वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोट के। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रीहरि की पूजा और व्रत करने से समस्त दुखों का नाश होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन है, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है साल 2021 में। उत्पन्ना एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों होता है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको किस दिन करना है, उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि क्या होगी, और जो लोग पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस दिन से किस प्रकार से एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है और इस व्रत को करने से किस प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, उत्पन्ना एकादशी की संक्षिप्तता से जो कहानी है इसके पीछे वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, और इस दिन किया जाने वाला एक खास कार्य जो सभी को जरूर करना चाहिए आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की समस्त व्रत त्योहारों, पूजा पाठ विधि, उन पर किए जाने वाले उपायों की जानकारियां मैं हर रोज आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वैसे तो हर माह में दो एकादशी व्रत आते हैं और सभी एकादशी व्रतों का अलग अलग महत्व भी बताया गया है। तो मार्गशीर्ष माह के जो कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी है, इसी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं, और साल 2021 में 30 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। इस एकादशी को कन्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना गया है कि इसी दिन एकादशी योग माया भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने राक्षस मुर का वध किया था। विष्णु जी को एकादशी बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन दोस्तों ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, योगमाया देवी या एकादशी माता हम जिन्हें कहते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ में इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एकादशी माता के पूजन करने से मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, सांसारिक सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, और जिस सभी कामना से आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों अब जो लोग पहली बार एकादशी व्रत करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, अवतरण हुआ था, इसीलिए यह जो दिन है वो भगवान श्रीहरि को बहुत प्रिय है। तो आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी जैसा मैंने बताया 30 नवंबर को पड़ रही है, दिन ये मंगलवार का है। एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 30 नवंबर को सुबह सुबह 4:13 पर, और एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी 1 दिसंबर को मध्य रात्रि 2:13 पर। एकादशी में जो पारण होता है व्रत का बहुत विशेष महत्व रखता है, तो एकादशी व्रत का पारण आपको 1 दिसंबर को कब करना है यह समय भी आप नोट कर लें। व्रत खोलने का जो एकादशी का पारण, किसी भी व्रत का पारण जो होता है दोस्तों, व्रत को खोलने का समय होता है, वो समय है सुबह 7:34 से 9:02। तो इसी समय आप पारण कर लेते हैं, सबसे शुभ बताया गया है दोस्तों ये समय। दोस्तों, एकादशी व्रत का जैसा मैंने बताया आपको बहुत महत्व होता है, खासतौर पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर पूरे नियम भक्ति भाव और विश्वास के साथ कहा जाता है तो इस व्रत का जो फल होता है वो अश्वमेघ यज्ञ और तीर्थ स्थानों में दान पुण्य स्नान करने के जो फल मिलते हैं
उससे भी कहीं अधिक होता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी की जो पूजा विधि है वो क्या होगी? पद्म पुराण के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। तो आपको दशमी की तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। दशमी की तिथि में भी ऐसा कहा जाता है कि संध्या काल में भोजन नहीं करना है। इस दिन भी आपको शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, जो मास है, भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की, माता एकादशी की पूरे विधि विधान से पूजन करें। इसके लिए आप धूप, दीप, नैवेद्य, और इस दिन आप भगवान को पीले रंग के अगर नैवेद्य अर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, इससे श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस दिन माता की उत्पत्ति हुई थी, एकादशी माता की, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको पूजा में 16 श्रृंगार की वस्तुओं को भी जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन रात्रि काल में, संध्या काल में हम दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, दीपदान तो सुबह की पूजा में भी हमें विशेष व्रतों में करना ही चाहिए, और संध्या काल में विशेषकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन दोस्तों दान का भी बहुत महत्व होता है, तो आपको दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करना बहुत ही श्रेष्ठकर बताया गया है। इस दिन आप श्रीहरि के मंत्रों का जप करें। आप भगवान कृष्ण के मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो आपको इस दिन पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना में, उनके मंत्रों के जप में रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। इसके बाद में दोस्तों अगले दिन, जैसे मैंने आपको पारण का समय बताया हुआ है, तो आपको अगले दिन सुबह स्नान वगैरह करने के बाद में ब्राह्मण के नाम का भोजन या सीधा जरूर निकालना चाहिए, और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। दान आपको अगले दिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार, और नहीं तो लोग एकादशी के व्रत के दिन भी करते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भोजन आप, व्रत आप इसके बाद ही खोलें। अब उत्पन्ना एकादशी की जो व्रत कथा है दोस्तों, वो व्रत कथा मैं आपको संक्षेप में बता दूं। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था, उसका नाम था मुर। उस दैत्य ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उनका स्थान ले लिया था। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए उन्हें भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने उन देवताओं की मदद के लिए मोर नामक राक्षस से युद्ध किया। हजारों हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा, और जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तब मोर राक्षस उनके निकट पहुंच रहा था, और ऐसे में भगवान विष्णु के शरीर से ही एक तेज, एक पुंज उत्पन्न हुआ, और उसी पुंज ने, उसी कन्या ने मुर नामक राक्षस का वध किया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनका नाम उत्पन्ना रखा। उनका जन्म एकादशी में होने के कारण भगवान विष्णु ने उत्पन्ना को कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति मेरी और तुम्हारी पूजा पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं जरूर पूर्ण करूंगा, और वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस एकादशी की ये व्रत कथा है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। मैंने यहाँ पे संक्षेप में कही है, आप विस्तृतता से ये व्रत कथा सुने, और इसके बाद एकादशी माता की भी इस दिन भगवान विष्णु के साथ आप आरती जरूर उतारें। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपको संपन्न करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखिए ताकि वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।